दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अजमेरा टेक की तरफ से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्यूटर में मंगल फॉन्ट में कैसे टाइप किया जाता है, उस फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा विवरण बताऊंगा। आप एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए आप भी हिंदी में टाइप कर सकते हैं। आप हमारा वीडियो पूरा देखें, इससे आपको एक एक स्टेप के बारे में पता चल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकन की घंटी को क्लिक कर देवे। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलते हैं स्क्रीन की ओर। सबसे पहले आपको अपने सर्च बॉक्स में जाके सेटिंग टाइप करना है। ऊपर सेटिंग पे क्लिक कर दें, आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ रही होगी। दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें आपको टाइम एंड लैंग्वेज को क्लिक करना है। दोस्तों आगे लैंग्वेज पर क्लिक करना है। इसमें आपको नीचे प्रिफर्ड लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है ऐप एंड वेबसाइट विल अपेयर इन द फर्स्ट लैंग्वेज इन द लिस्टेड दे सपोर्टेड। इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें और कोई सी भी लैंग्वेज जोड़ सकते हो जिससे आपको टाइप करना है। नीचे लिखा है ऐड ए लैंग्वेज, आपको मंगल फॉन्ट में हिंदी में टाइप करना है इसलिए हिंदी लैंग्वेज जोड़ना है। दोस्तों नीचे इंग्लिश और इंग्लिश यूनाइटेड लिखा हुआ है, ऐसे ही हिंदी भाषा को भी इसमें जोड़ना है। ऐड ए लैंग्वेज पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपनी भाषा चूज कर लेनी है, चूज ए लैंग्वेज इन इंस्टॉल, हिंदी यहाँ इंस्टॉल कर लेनी है। आपके सामने हिंदी लैंग्वेज आ गई है। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका नेट चालू नहीं है तो आप नेट को ऑन कर लें, क्योंकि ये ऑनलाइन ही अपडेट होगा। इसमें आपको फॉन्ट को किसी मिनट कॉपी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देवे। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, टेक्स्ट टू स्पीच 14 MB और हैंड टू राइटिंग 1 MB। इसको आपको यहाँ पे क्लिक ही रहने देना है। इसके बाद नीचे इंस्टॉल का बटन आ रहा है, आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो हिंदी फॉन्ट है डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपके सामने देख रहे होंगे कि ये हिंदी का फॉन्ट नीचे ऐड हो गया है। अब आपके सामने यहाँ तीन लैंग्वेज हो गई है, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और हिंदी। हिंदी में भी अलग अलग भाषा होती है, इसलिए आपको जिस भाषा में टाइप करना है तो आपको इसको क्लिक करना है। इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ लैंग्वेज ऑप्शन हिंदी, ये देखो आपने जो डाउनलोड किया था वो डाउनलोडिंग यहाँ चल रही है और यहाँ दिखा रहा है, ये धीरे धीरे डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद हमें नीचे कीबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इस पर एड ए कीबोर्ड पर क्लिक करना है। वह हमारे सामने यहाँ हिंदी देवनागरी आ रही है, हिंदी पुनिष्टिक आ रही है, ये भाषा हमने सिलेक्ट कर रखी है, और मराठी आ रही है, नेपाली आ रही है। हमें अधिकतर देवनागरी की आवश्यकता पड़ती है। इस पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे तो नीचे ऐड हो गई है। अगर आप इसमें और भी भाषा को ऐड करना चाहते हो तो ऐड ए कीबोर्ड पर क्लिक दोबारा करें। जो भाषा हिंदी पुनिष्टिक है इस पर क्लिक कर दें। आपके सामने यहाँ हिंदी के तीन फॉन्ट आ गए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको जैसे इसमें से किसी को रिमूव करना है तो आप इस पर क्लिक करें, नीचे रिमूव का बटन आ गया है, तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे रहने देता हूँ। दोस्तों आपको इसको ये कहाँ ऐड हुई आपको इसको देखना है तो नीचे टूल बार में आप यहाँ पे इंग्लिश वाले बटन पर क्लिक करोगे तो ये जो जो भाषा इसमें है वो इसमें सिलेक्ट हो गई है। दोस्तों अब इसको हम टाइप करके देखते हैं, तो हमें वर्ड में जाना है। अब आपको सबसे पहले ये करना है कि यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप हिंदी सेलेक्ट कर लेते हो तो आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा कि मंगल फॉन्ट आ गया है, और आपको फॉन्ट साइज दिखाने के लिए इसको बड़ा कर लेवे 20x22 साइज कर लेते हैं। देखो पोल की टाइप हो गया है, ऐसे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो यहाँ पे। दोस्तों सबसे बढ़िया फॉन्ट है हिंदी फॉन्टिंग। इसमें क्या होगा कि हम जैसे इंग्लिश में टाइप करते हैं तो ये हिंदी में शो हो जाता है, तो हम इंग्लिश में टाइप करके भी हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपना नाम लिखा शंकर, एल ए लाल, एम एल ए माली, देखो ये कितना बढ़िया फॉन्ट लग रहा है ये।
दोस्तों ऐसे आप वर्ड में टाइप कर सकते हैं, लंबे लंबे ग्राफ बना सकते हैं। जिन भाइयों को हिंदी में टाइप करना नहीं आती है वो भी इसमें टाइप कर सकते हैं, ये बड़ा आसान तरीका है। और जिन भाइयों को किसी वाउचर में सर्च मारना हो या किसी ऑनलाइन साइट पे टाइप करना हो तो इंग्लिश में टाइप करके भी हिंदी में टाइप कर सकता है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकन के घंटे को क्लिक जरूर कर देवे, इससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।